आज मेरे पास इस बीकर में है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इस बाउल में है कॉपर ऑक्साइड। इसका कलर देखिए, डार्क ब्लैक। अगर हम इस कॉपर ऑक्साइड को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मिक्स कर दें तो फिर इसका कलर चेंज हो जाएगा और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कलर हमें देखने को मिलेगा। अगर इसके पीछे के रीजन को आप समझ गए कि उसका कलर चेंज क्यों होता है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप सीख जाएंगे कि क्यों मेटालिक ऑक्साइड्स को बेस माना जाता है। चलिए इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करते हैं। तो देखिए, अभी हमारे पास दो टेस्ट ट्यूब्स है। ये खाली टेस्ट ट्यूब है, यहां पर भी हम HCl डालेंगे रेफरेंस के लिए, कंपैरिजन के लिए। इसके साथ हम इसे कंपेयर करेंगे। और यहां पर इस टेस्ट ट्यूब में नीचे यहां पर कॉपर ऑक्साइड है, यहां भी हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डालेंगे, ड्रॉपर से डालेंगे और देखेंगे क्या होता है। सबसे पहले हम इस टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल देते हैं कि आप देख ले इसका कलर क्या है। ये बिल्कुल कलरलेस है। और जब हम इसे इस टेस्ट ट्यूब में डालेंगे तो धीरे धीरे इसका कलर जो है, आप देखेंगे इसका कलर चेंज होगा और धीरे धीरे इसका कलर ग्रीन होते जाएगा। अब कुछ देर हम इसे छोड़ देते हैं तो यहां पर देखें, क्लियरली कलर में चेंज हुआ है, क्योंकि यहां पर जो रिएक्शन हो रहा है, यहां पर डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है और कॉपर क्लोराइड जो कि एक सॉल्ट है वो बन रहा है, साथ ही साथ पानी बन रहा है। कॉपर क्लोराइड यहां पर डिसॉल्व्ड है। अगर आप गौर करें तो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन कुछ ऐसा ही है मानो एसिड और बेस का रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि एसिड और बेस के रिएक्शन में भी सॉल्ट बनता है और पानी बनता है। तो यहां कॉपर ऑक्साइड जो कि एक मेटालिक ऑक्साइड है, इसके साथ एसिड का रिएक्शन हो रहा है और सॉल्ट और पानी बन रहा है। तो इसीलिए मेटालिक ऑक्साइड्स को बेस माना जाता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब अगले वीडियो में हम चैप्टर एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स के आगे के टॉपिक्स पे बात करेंगे, तो उम्मीद है कि वहां आपसे जरूर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। Goodbye.